Good morning, students. Today we are going to study Unit 6, Exercise 6.1, Lines and Angles. In previous class, you have learned to solve question number 1 to 4. Now, we are going to study question number 5 to 5 and 6. Here, in figure POQ, in POQ, kya hai? POQ is a line. POQ is a line. OR, the ray OR is, lies on PQ. If OR is for PQ, where lies hai, OS is another ray. OS kya hai? Ek another ray hai. So, kya karenge ki POR ko jo hai bisect karenge. दो भागों में बांट देंगे, ठीक है? तो आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस, प्रूव क्या करना है यहां पर लिखेंगे ना कि गिव है, क्या क्या चीज दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन में पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू इज अ लाइन, लाइन ओ रे ओ आर POR lies on PQ. POR lies on PQ. PQ पर स्थित है. OS is another ray. OS is another ray. Another ray lies between, lies between OR and OP, OR and OP, OR OP की रेंज है, between बीच में एक angle ray है, ठीक है? ये हो गया आपका given. To prove क्या करना है? तो to prove में आप write करेंगे, book में देखिए to prove दिया हुआ, क्या दिया है? कि angle ROS R O S is equal to 1/2 in a bracket Q O S angle Q O S a minus है minus P O S minus P O S ये आपको प्रूफ करना है. तो अब इसका प्रूफ करते हैं ना. तो प्रूफ राइट करेंगे. में देख रहे हैं यहाँ पर कि POQ is a line. तो line makes ना 180 degree angle. It means आप देख रहे हैं कि ये OR इसमें perpendicular है तो perpendicular होगा तो 90 degree angle बनाएगा. इसका तो यह angle और ये दोनों angles का sum होगा 180 degree. तो we can write as angle QOR. Angle इक्वल होगा इसके पी ओ आर एंगल पी ओ आर ए इक्वल होगा 90 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट देन आप यहां देख रहे हैं कि इसमें पूरा एंगल दिया हुआ है. तो इस पूरे एंगल के लिए क्या लिखेंगे कि एस ओ क्यू या क्यू ओ एस. तो राइट हैंड एंगल QOS ये इक्वल होगा किसके QOS होगा QOR एंगल QOR अब प्लस हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल ROS. यानी जब हम ये पूरे एंगल के लिए लेकर के चलते हैं तो इस एंगल का सम्स और इस एंगल के सम्स दोनों की सम्स की क्या होंगे इक्वल होंगे. इसलिए हमने लिखा यहाँ पर कि QOS जो है वह इक्वल होगा किसके QOR के और ROS के. ये दोनों एंगल्स के इक्वल होंगे. अब हम बचा क्या POS. तो इस POS को भी देखेंगे हम. एक साइड से तो हमने ROS को ऐड कर लिया. अब POS के लिए लिखेंगे
एंगल पी ओ एस के इक्वल होगा, ये पूरा 90 डिग्री एंगल था ना, तो 90 में से क्या हो जाएगा, ये एंगल इसमें चला गया, ये माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे पी ओ एस इज इक्वल टू पी ओ आर, एंगल पी ओ आर माइनस होगा आर ओ एस, माइनस एंगल आर ओ एस इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या मिलेगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल होगा एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, एंगल पी ओ आर और ये सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस। ठीक, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, मैं देखती हूं यहां पर, यहां पर आप देख रहे हो आर ओ एस, आर ओ एस दोनों से क्या है, पॉजिटिव साइन है, और क्यू ओ आर हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि क्यू ओ आर के पी ओ आर के इक्वल है, तो क्यू ओ आर और पी ओ आर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस से, क्यों होंगे, क्योंकि एंगल क्यू ओ आर ये इक्वल है एंगल पी ओ आर, एंगल क्यू ओ आर के इक्वल होगा एंगल पी ओ आर। ठीक, तो क्या बचा, आप देखेंगे कि इस एंगल में आप देख रहे हो कि बचा कि एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ये इक्वल हो जाएगा पी, ये देखिए आपका एंगल आर ओ एस, आर ओ एस हो जाएगा टू एंगल आर ओ एस, बट हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस प्रूव करना है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं क्या आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, ये इसको राइट कर सकते हैं 1/2 एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस, देखिए प्रूव। आपने इस एंगल को कैसे सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर वन टाइम मोर, गिवन पॉइंट्स क्या है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू जो है एक लाइन है ना, ओ आर, ओ आर इज परपेंडिकुलर, पी ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, एंड देन बी ओ एस बाइसेक्टर ना द पी ओ आर, ये पी ओ आर को क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। आपको प्रूव करना था एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो हमने ये देखा कि ये परपेंडिकुलर है कि यह एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर से 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। उसके बाद फर्स्ट वाले साइड में हमने इसको ऐड कर लिया, तो ये लिख देंगे कि पी क्यू ओ एस इक्वल टू यंग एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, अगर हमने पी ओ एस को लिया तो इस पूरे एंगल में से इसको माइनस, यानी ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन। फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ए क्यू ओ आर पे क्या होगा, पी ओ आर से कैंसिल होगा, क्योंकि क्यू ओ आर इक्वल है पी ओ आर, ए एंगल बच गया क्यू आर ओ एस, तो आर ओ एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64,
एक एंगल है एक्स वाई जेड, एक एंगल कितने का है 64। सेकेंड कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इस एक्स वाई को कह रहा है कि एक पी तक पढ़ाया गया, प्रोड्यूस मीन्स होता है पढ़ाना, इसको पी तक कह रहे पढ़ाया गया है ना, तो कह रहा है पॉइंट पी ड्रॉ ए फिगर फॉर्म एन इवेंट इंफॉर्मेशन इफ दे वाई क्यू, एक रे कह रहा है कि यहां से वाई और क्यू जो है इसको बाइसेक्ट करता है, वाई और क्यू क्या कर रहा है बाइसेक्ट करता है, तो जे वाई की को तो फाइंड करनी है आपको एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करना है एंड रिप्लेस एंगल क्यू वाई पी को फाइंड करना है, रिप्लेस एंगल क्यू वाई पी को फाइंड करना है, तो आप यहां पर देखेंगे एक्स वाई क्यू की एक्स वाई क्यू, तो आप जानते हो कि ये सभी एंगल्स मिलकर के कितने के होते हैं 180 के होंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम वाई क्यू को हटा करके चलते हैं, ये दोनों सम्स जो है क्या बनाएंगे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर से क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड ये इक्वल होगा 180। ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 180 की बाय द थ्रू लीनियर पेयर, लीनियर तो इसमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है 64, तो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 तो 64 प्लस एंगल पी वाई जेड ए इक्वल होगा 180, देन एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 ये रिमेंस 7 माइनस 6 1 एंड 1 116, यानी एक एंगल जो है आपका पी वाई जेड ये पूरा कितने का आ गया 116। बट हियर ही है क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड को, ये पी वाई जेड को क्या कर रही बाइसेक्ट कर रही, तो आप यहां पर राइट कर सकते हो कि रे रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड, एनी बाइसेक्टर व्हाट विल हैपन इफ एनी बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल, एनी बाइसेक्टर बाइसेक्ट द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्टर क्या करता है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका एंगल पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू, आप इसको राइट कर सकते हैं ना कि ये आपको हो गया क्यू वाई पी, ये आपको फाइंड करना है क्यू वाई पी को क्या करना है फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो एंगल क्यू वाई पी ये इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा तो ये पूरा एंगल 116 का है, ये हो जाएगा 1/2 एंगल पी वाई जेड और 1/2 इंटू 116 58 डिग्री का एंगल हो गया क्यू वाई पी, क्यू वाई पी ये हो गया आपका 58 का, तो इस एंगल को फाइंड कर लीजिए, आपको क्या एंगल फाइंड करना है कि एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना था, तो आपका एंगल ये हो गया एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ना, ये निकालेंगे यहाँ पर एंगल, सो एंगल एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू ये इक्वल होगा 180 और माइनस कर दिया आपने ये दोनों एंगल 64 प्लस 58 180 माइनस
8 4 12 2 21 5 1 6 6 12 120. T minus 2, 8, 7 minus 2, 5, 58. ये भी आ गया आपका 58 का. तो अब क्या फाइंड करना है आपको, यहां पर हमने 2y में फाइंड कर दिया है, अब क्या है xy क्यूब को. अब आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है qyp का. तो रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल qyp. यहाँ पर देखिए आप एंगल को QYP का, ये इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है. इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये बचा हुआ ये सारे एंगल्स जो होते हैं ये इसके रिफ्लेक्स कहलाते हैं. इट मीन्स रिफ्लेक्स अ कंप्लीट एंगल हैज 360 डिग्री. तो 360 में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसका ये रिफ्लेक्स फाइंड हो जाएगा. तो रिफ्लेक्स एंगल QYP इस पर हो जाएगा 360 माइनस 50 इसी पर टू टी माइनस एट टू ईयर में 5 माइनस 5 0 ईयर में 302 डिग्री. इन दिस थिंग योर एक्सरसाइज एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बोथ इन योर क्लास नोटबुक. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू विल पास, बट यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड देन सॉल्व योर नोटबुक्स. Thank you, students.